ओके हम कहाँ पे थे, पावर रूल पे थे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर फोर में बताया मैंने एक्स को कट नहीं करना, ये एग्जाम्पल है। तो फिर क्या करना है, पावर रूल सेज दैट, ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर फोर, ध्यान से देखना किसकी पावर फोर है, एक्स की, और कितनी पावर है फोर, पावर को नीचे रख लो, एक्स की पावर फोर है तो जो भी पावर है उसको ऐसे लिखो फोर, लिख लिया। किसकी पावर फोर है, एक्स की पावर फोर है, कितनी पावर है फोर, इसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर दो, वन ही करना है। मैं रिपीट करता हूं, पावर नीचे एज इट इज लिखा, एक्स की जो भी पावर है उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, फोर इंटू एक्स की पावर थ्री, राइट। पावर पे दो मिनट हाथ रखना, सिर्फ पावर पे, ओनली पावर, ये रही। तो क्या दिख रहा है आपको, डीएक्स बाय डीएक्स, जो भी दिख रहा है एंड में मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म से, क्या डीएक्स डीएक्स, वो अलग बात है किसकी वैल्यू क्या आती है वन, वो अलग बात है वन है। तो आपका आंसर क्या आएगा, फोर इंटू एक्स की पावर थ्री। मैं रिपीट करता हूं ध्यान से फिर से, सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर सेवन, पावर नीचे, पावर रूल है तो पावर नीचे सेवन इंटू इंटू किसकी पावर सेवन है एक्स की, तो एक पावर कम कर दो, सेवन माइनस वन सिक्स, पावर पे हाथ रख लो, क्या दिख रहा है डीएक्स बाय डीएक्स क्या होगा वन, तो आंसर इज सेवन इंटू एक्स की पावर, कोई डाउट इसमें। फिर देखो डी बाय डी टी ऑफ टी की पावर थ्री, कोई बात नहीं वेरिएबल चेंज हो गया, कोई बात नहीं होने दो, क्या पावर है थ्री, किसकी पावर थ्री है टी की, एक पावर कम टू, पावर पे हाथ रख लेते हैं, क्या दिख रहा है डी टी बाय डी टी, वो अलग बात है कि ये क्या होता है वन, थ्री इंटू टी की पावर टू, ठीक। पहला क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कहां से आया मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, मैथ्स की बड़ी लंबी स्टोरी है, आपको लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी एक चैप्टर करवाएंगे मैथ्स वाले, वो बताएंगे, हमें सिर्फ इसको अप्लाई करना सीखना है। सेकेंड क्वेश्चन, अगर यहां पर वेरिएबल कुछ और होता, डी ऊपर टी है नीचे एक्स है या वाई है, उसका क्या करना है, वो नेक्स्ट हो सकता है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा लेवल चेंज है, मैं उसमें बताऊंगा, अभी इजी रखते हैं, दोनों वेरिएबल्स सेम है, क्लियर है यहां तक, तो लगाना आ गया, ठीक ठीक यहां तक। एक क्वेश्चन करके देखें, या क्वेश्चन से पहले मैथ्स का फॉर्मूला बनाओ, अब उल्टा है क्या, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, ये मैथ्स का फॉर्मूला ऐसे लिखा होता है, पावर बोलो क्या है एन, एक्स की पावर एक कम करें तो क्या आएगा एन माइनस वन, पावर पे हाथ रखेंगे तो क्या बचेगा डीएक्स बाय, तो मैथ्स की बुक्स में ये फॉर्मूला लिखा होता है डिफरेंशिएशन का, मैथ्स के टीचर भी यहीं से स्टार्ट करते हैं प्लस टू में कैलकुलस, तो ये फॉर्मूला क्लियर है, पर मैथ्स के टीचर सिखाते ऐसे हैं, फॉर्मूला याद कर लो उसके बाद एन पुट कर दो, बोलो एन यहां पर क्या है, यहां पर एन क्या है सेवन, तो यहां पर भी क्या आएगा सेवन, यहां पर भी क्या आएगा सेवन, आंसर एक ही बात है। अब वो तरीका आ गया तो इसको क्या देखना, खुद बन तो गया, नहीं तो याद कौन करेगा, इसे लिख सकते हो, फिर प्रैक्टिस करते हैं फिर से एक बार, ठीक फिर से बताऊंगा, अभी डाउट है इसमें भी, समझ में आया यहां तक, दो तीन क्वेश्चन खुद अपने हाथ से करोगे ना भी क्लियर हो जाएगा, आप पहले इसको लिख लो प्लीज ध्यान से। तो ये एग्जाम्पल आपने अपने हाथ से करने हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एट, डी बाय डी टी ऑफ टी रेज टू पावर हाफ, डी बाय डी वाई ऑफ वाई रेज टू पावर थ्री बाय टू, ये तीन क्वेश्चन है, इसमें लगा के आप पहले लगाओ, मैं भी बाद में लगाऊंगा, आप एक बार खुद लगाओ, एक्स की पावर एट है, t की पावर हाफ है, y की पावर थ्री बाई टू है,
डी बाई डी टी ऑफ टी रेज टू पावर हाफ, ठीक, ऊपर भी टी नीचे भी टी, दोनों तरफ टी चल रहा है, ये डी टी है, ओके ऐसे डी टी है, ठीक है। आप अपना करो, मैं अपना करूंगा, फिर वेरीफाई करेंगे अभी। वेरीफाई करो, फर्स्ट पावर क्या है, एट, एक्स की पावर एट माइनस वन, और अगर पावर पे दो मिनट हाथ रखें तो क्या दिख रहा है, डी एक्स बाय जो कि वन होता है, तो आंसर क्या आएगा, एट इंटू एक्स की पावर, किसी को कोई डाउट इसमें, सबका आ गया आंसर। नेक्स्ट पावर क्या है, हाफ, तो सबने हाफ को नीचे रखा, ठीक, और टी की जो पावर है हाफ माइनस वन, ऐसे किया, फिर हाफ पे अगर हाथ रखेंगे तो क्या दिखेगा, डी टी बाय डी टी, तो इंटू डी टी बाय डी टी जो कि क्या होता है वन, तो हाफ इंटू टी रेज टू पावर माइनस, यहां तक छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव ये वो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव करने की जरूरत है, यहीं तक छोड़ दो चलेगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक ठीक है। नेक्स्ट पावर क्या है, 3/2, y की पावर 3/2 माइनस, पावर पे हाथ रखेंगे तो dy वाई बाय डी वाई, यहां पर डी वाई बाय डी वाई, देखो ना यहां, तो क्या आएगा 1, तो आंसर इज 3/2 y रेज टू पावर कितना, कोई डाउट इसमें। अच्छा एक चीज नोट की, डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व करते करते डिफरेंशिएशन आ गई बीच में, हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन कर रहे थे कि किसी तरीके से डी बाई डी वाई हट जाए और मेरा आंसर आ जाए इस फॉर्म में, है ना, और प्रॉब्लम है कि जब मैं ऐसा कर रहा था डिफरेंशिएशन के अंदर एक और डिफरेंशिएशन आ गई, वो अलग बात है, इसका आंसर वन है, इसको बोलते हैं टेकिंग फर्दर डेरिवेटिव, मतलब वी आर टेकिंग डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव के अंदर एक और प्रॉब्लम है डेरिवेटिव, फर्दर डेरिवेटिव, या कभी कभी इसको बोलते हैं चेन रूल, चेन रूल का मतलब कि ये चेन ही चल पड़ी, मैं डेरिवेटिव सॉल्व कर रहा हूं, डेरिवेटिव के अंदर फिर से क्या आ गया डेरिवेटिव, उसको सॉल्व किया तब जाके आंसर आया, तो इसको बाद में करेंगे चेन रूल, वैसे बता रहा हूं नॉलेज के लिए चेन रूल क्या होता है, कि जब डेरिवेटिव की प्रॉब्लम कर रहे हैं उसके अंदर ये एक और डेरिवेटिव का आना आ जाना चेन रूल। पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक, कोई डाउट पावर रूल में, ठीक, क्लोज करें यहां तक, तो अगली बार बस ये पूरी इस तरीके से सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी, इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस चलनी है, अगली बार दो तीन फॉर्मूलाज हैं उसकी प्रैक्टिस चलेगी, तो पूरा लेक्चर सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चलने वाला है, खूब हाथ बिठाना है इस पे, ताकि कैलकुलस में हाथ नहीं रुकना चाहिए, बस फटाफट आते ही आंसर, ठीक, तो अगली बार प्रैक्टिस करेंगे, राइट, किसी को डाउट है तो प्लीज जाते हुए पूछ सकते हैं।